नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नॉलेज वाणी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों और तथ्यों को। दोस्तों आपको पता होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जो दिए गए हैं ये वर्ष 2020 की रचनाओं के लिए दिए गए हैं। तो जो वर्ष 2020 में जितनी भी रचनाएं हुई हैं उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। और साथ ही में हम वर्ष 2019 की जो रचनाओं के लिए पुरस्कार दिए गए थे 2020 में उनको भी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उस पर हमने वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जो दिए गए हैं उससे संबंधित है। चलिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जो स्थापना है दोस्तों ये कब हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अपना आंसर आप हमें लाइव चैट या कमेंट में दे सकते हैं। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए यानी कि 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, लेकिन दोस्तों ये सबसे पहले 1955 में दिए गए थे, ये आपको याद रखना है। अगला है साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होते हैं दोस्तों ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है नाम ही में लिखा है साहित्य, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में, विभिन्न भाषा के साहित्य के क्षेत्र में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, साहित्य में। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों में ताम्रपत्र के साथ कितनी नगद राशि दी जाती है। तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कारों में जो है ताम्रपत्र के साथ 1 लाख यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वर्ष 2020 के विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिले हैं इसमें इनको प्रस्तुति जो समारोह के दौरान एक बॉक्स के रूप में इनको पुरस्कार के साथ ये जो दिया जाएगा, जिसमें उत्कीर्ण तांबे पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि शामिल रहेगी। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये सर्वप्रथम किसे दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था दोस्तों यह दिया गया था ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी को। और माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में यह पुरस्कार, साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो था हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले दिया गया था। और इनको हिम तरंगनी नामक काव्य के लिए यानी कि पोएट्री के लिए जो है यह पुरस्कार मिला था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हिम तरंगनी के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में पाने वाले सबसे पहले जो है साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन, सुमित्र नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो सुमित्र नंदन पंत को दिया गया है दोस्तों ऑप्शन बी 1960 में। और दोस्तों बता दें कि सुमित्र नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्रथम भारतीय महिला जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे हैं अमृता प्रीतम, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और बता दें कि 1956 में जो है इनको ये सम्मान दिया गया था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं कागज थे कैनवास, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, और रसीदी टिकट, पिंजर आदि जो है रचनाएं हैं ये इन्हीं की हैं यानी कि अमृता प्रीतम की हैं। और 1956 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और ये इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 24 भाषाओं के लिए। तो दोस्तों 24 भाषाओं के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वर्ष 2020 के लिए दिए गए हैं। बता दें कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसके साथ साथ ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं इन 22 भाषाओं में तो दिए ही जाते हैं, इसके साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी दो अतिरिक्त भाषाओं में भी दिए जाते हैं। तो कुल मिला के 24 भाषाओं में दोस्तों दिए जाते हैं और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 24 भाषाएं। अगला है अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह किसे दिया गया है। दोस्तों ये 2020 के लिए 2021 में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2020 में इसकी जो है कृति लिखी गई थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए यानी कि अरुंधति सुब्रमण्यम। तो अरुंधति सुब्रमण्यम को वेन गॉड इज अ ट्रेवलर नामक पोएट्री के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिया गया है। और ये आपको याद रखना है वेन गॉड इज अ ट्रेवलर नामक जो पोएट्री है इसके जो लेखक हैं वो अरुंधति सुब्रमण्यम है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया। तो दोस्तों हिंदी भाषा के लिए अगर बात करें ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा अनामिका। तो अनामिका को दिया गया है। और बता दें अनामिका ने टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014 कविता के लिए जो है इनको वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो एग्जाम में आ सकता है टोकरी में दिंगन थेरी गाथा 2014 कविता के जो लेखक हैं वो कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका। अगला है पंजाबी भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो पंजाबी भाषा के लिए दोस्तों जो वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है यह दिया गया है
ऑप्शन सी गुरुदेव सिंह रूपाना को, और इनको जो है आम खास जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है इसके लिए जो है गुरुदेव सिंह रूपाना को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए 20 का जो है चुन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो उर्दू भाषा के लिए अगर बात करें तो वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो मिला है हुसैन उल हक को, और इन्होंने अमावस में ख्वाब नॉवल यानी कि उपन्यास के लिए इनको 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला है संस्कृत भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो संस्कृत भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया है ऑप्शन बी महेश चंद्र शर्मा गौतम को, और इनको वैशाली जो कि एक नॉवल है उपन्यास है उसके लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है महेश चंद्र शर्मा गौतम, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अगला है मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो मैथिली भाषा की अगर बात करें तो 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए यानी कि कमलकांत झा को, और कमलकांत झा को गश रुसल अची शॉर्ट स्टोरी यानी कि लघु कहानी के लिए जो है ये कमलकांत झा को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है मैथिली भाषा के लिए। अगला है कन्नड़ भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों अगर कन्नड़ भाषा की बात करें तो कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया है एम वीरप्पा मोइली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और श्री बाहुबली अहिमा सादिग्विजयम इपिक पोएट्री के लिए जो है एम वीरप्पा मोइली को यह अवार्ड मिला है कन्नड़ भाषा के लिए। नेक्स्ट है कश्मीरी भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो कश्मीरी भाषा के लिए दोस्तों जो दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन सी हृदय कुल भारती को, जो कि मरणोपरांत दिया गया है, और इनकी जो रचना है वो एक लघु कहानी है तिलस्म ए खानाबदोश, इसके लिए हृदय कुल भारती को जो है कश्मीरी भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अगला है कविता संग्रह के लिए कितने विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिए गए हैं 2021 में। तो कविता संग्रह के लिए बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 कविता संग्रह के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट है लघु कहानियों के लिए कितने विजेता को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप हमें लाइव चैट कमेंट में दे सकते हैं। तो लघु कहानियों के लिए यानी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जो दिए गए हैं वो 5 को दिए गए हैं, ऑप्शन डी क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। अगला है नाटक के लिए कितने विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। तो नाटक की बात करें तो नाटक के लिए दोस्तों 2 को दिए गए हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास के लिए यानी कि नोवेल के लिए कितने विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिए गए। तो उपन्यास के लिए 4 को दिए गए हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं वर्ष 2019 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो विजेता थे वो कौन थे 2019 के लिए जो जिनको दिया गया था, क्योंकि इस पर वीडियो नहीं बना था। तो अब इसमें मेन मेन हम देख लेते हैं। तो पहले भाषा रहेगा, फिर शीर्षक और शैली, और उसके बाद लेखक। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हिंदी की बात करते हैं और अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जो है अंग्रेजी भाषा में वर्ष 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था ये एन एरा ऑफ डार्कनेस जो कि एक कतित्तर गद्य है इसके लिए शशि थरूर को दिया गया था। यानी शशि थरूर को 2019 का अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, जो कि इनकी कृति है ये याद रखिएगा। हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी के लिए नंदकिशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और इनको यह पुरस्कार इनकी कविता छीलते हुए अपने को इसके लिए दिया गया था, यह आपको याद रखना है। कश्मीरी के लिए देख लीजिए, कश्मीरी के लिए जो है अब्दुल अहद हाजिनी को दिया गया था, और इनकी जो कृति थी कहानी संग्रह था अख याद अख कयामत, इसके लिए दिया गया था। मैथिली का देख लीजिए, मैथिली का जो है कुमार मनीष अरविंद को दिया गया था जिंदगी औरी औरन करैत कविता के लिए, जो है मैथिली भाषा का जो है कुमार मनीष अरविंद को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पंजाबी का यहाँ पे देख सकते हैं, पंजाबी का जो है कृपाल कजाक को दिया गया था अंतहीन, जो कि इनका कहानी संग्रह है, इसके लिए दिया गया था। संस्कृत का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, संस्कृत का जो है पेत्रा मधुसूदना को दिया गया था, और इनको जो ये है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया था संस्कृत भाषा का, ये इनकी कविता के लिए प्रज्ञा चाक्षुषम के लिए दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और उर्दू का देख लीजिए, उर्दू का शाफे किदवई जो है इनको दिया गया था 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनको सबने ए सर सैयद एक बाजदीद जीवनी के लिए उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार शाफे किदवई को दिया गया था। तो दोस्तों ये 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की पूरी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पे वीडियो नहीं बनाया गया था इसलिए हमने इसको इसमें इंक्लूड किया है। और दोस्तों ये है 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार, और अभी इसमें जो है टोटल 20 है, बाकी जो 4 है उनकी घोषणा होना अभी बाकी है, तो उसकी घोषणा हो जाएगी तो वो जो है आपको ऑनलाइन पता लग जाएगा। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें भी सभी भाषाओं और उनकी कौन सी रचनाएं हैं और उनके लेखक कौन है उनके सभी नाम दिए गए हैं। तो इसी के साथ जो है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 समाप्त होते हैं, और यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
और इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगता है आपको यह, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल नोलो बैन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको हमारे हर वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ करंट अफेयर की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।